नमस्कार, मी नितीन शिंदे. आपण पाहताय बोलबिंदास. नवरात्र उत्सवाच्या निमित्तानं आपण समाजातील विविध क्षेत्रातील महिलांशी संवाद साधतोय, त्यांना जाणून घेतोय. आपल्याबरोबर आहेत नम्रता बन्सल, ऐश्वर्यम ग्रुपच्या त्या असोसिएट डायरेक्टर आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलणार आहेत. नमस्कार. आपके बारे में थोडं संक्षिप्त में हमें बताइए. नमस्ते, मैं नम्रता बन्सल. मैं 34 वर्ष की हूँ. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे हूँ. नवरोजी वाड़िया कॉलेज से मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है. एंड जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते आज मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, ऐश्वर्यम ग्रुप में. एंड व्हाट एल्स, आप बताइए आपको क्या जानना है मेरे बारे में. मैं बताती हूँ, ऐश्वर्यम ग्रुप बहुत बड़ा है जी. उसके बारे में उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए ऐश्वर्यम ग्रुप ने, पिंपरी चिंचोड़ में या बिल्कुल भी. थोड़ा हम ऐश्वर्यम ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे वो अपने ग्राहकों को और कैसे उनका एक नाम बड़ा है. ऐश्वर्यम ग्रुप जो है वो आज PCMC में आज एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी है. हमने 15 साल पहले रफली शुरुआत की थी. एंड मोटिव हमेशा यही रहा है, सिंपल, कि डिलीवर प्रोडक्ट क्वालिटी, डिलीवर टाइमली डिलीवर कर कीजिए. और घर जो है वो किसी भी मनुष्य का सबसे बड़ा सपना होता है जीवन का. तो हम चाहेंगे कि इस एक्सपीरियंस को हम बहुत खूबसूरत और बेहतरीन बना पाएँ. तो हर दिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम कैसे इम्प्रूव करें. और हमारे आगे सपने यही हैं कि आज PCMC में हम बहुत नामी हैं, कल हम पूना में बहुत नामी हो, आगे हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टेकअप करने का भी इरादा है. तो होपफुली वो हम आगे वैसे बढ़ेंगे. ऐश्वर्यम के बारे में तो आपने बताया, लेकिन आप को ये काम करने, मतलब आप ऐश्वर्यम ग्रुप में कैसे एंट्री हो गए? ओके, सो शादी के बाद मैं पूना से कल्याणी नगर से मैं प्राधिकरण में मेरी शादी हुई. और ऐश्वर्यम ग्रुप के जो डायरेक्टर्स हैं, सतीश भैया, नरेंद्र अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, वो हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं, जिससे कि मैं ऐश्वर्यम ग्रुप में इंट्रोड्यूस हुई. एंड जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पापा से मैंने हमेशा ये चीज़ देखी और सीखी थी, बिकॉज पापा भी रियल इस्टेट में थे, तो इंटरेस्ट तो पहले से ही था. तो स्टार्टिंग में कुछ परेशानियाँ हुई चीज़ें समझने में, ग्रास्प करने में, बट क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई था तो फॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ें कर पाई. एंड धीरे धीरे, यस, आई बिलीव टुडे आफ्टर 8 ईयर्स टाइम आई हैव गेन्ड सफिशिएंट नॉलेज. तो दिस इज हाउ आई हैव कम इनटू इट. आपको कठिनाइयां तो आई, लेकिन उसमें आपने, आई थिंक जीवन में अगर पैशन हो, अगर सीखने की बहुत इच्छा हो, तो कठिनाई इज समथिंग दैट कैन बी सॉल्व्ड. आप वर्तमान में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? ऐश्वर्यम हमारा एक्चुअली एक साइस एंड डेवलपर्स करके मोशी में एक पूरा चंक ऑफ लैंड है, क्लस्टर है, वहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं. तो ऐश्वर्यम हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने काम किया हुआ है पिछले 4 साल में. और इसके आगे हम ऐश्वर्यम अभिमान लॉन्च करने जा रहे हैं, और ऑल्सो ऐश्वर्यम वन मोशी, एक कमर्शियल सेंटर वहाँ पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं. तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जो कि रफली 1800 यूनिट्स और आने हैं रेजिडेंशियल के, और एक कमर्शियल मॉल आना है. तो फिलहाल मैं उस चीज़ पर काम कर रही हूँ. आप क्या देखती है ऐश्वर्यम में? ऐश्वर्यम मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हम एथिक्स को बहुत फॉलो करते हैं, कस्टमर को बहुत वैल्यू करते हैं. हम हमारे प्रोडक्ट को, जैसे कि मैंने कहा, और इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, हम कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम उस पर कॉन्स्टेंटली सोचते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं. अच्छा. आपने अभी तक जब शुरू की है ऐश्वर्यम में, आपने एंट्री की, उसके बाद कितने प्रोजेक्ट हुए और कितने लोगों को घर मिला? मैंने जो देखा है वो मैंने 1900+ घर दिए हैं, पोजेशन दिए हैं कस्टमर को सक्सेसफुली. और ऐश्वर्यम एज अ होल आई थिंक 5000+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं इन PCMC. आपको कैसे लगता है कि जब लोगों को अपन घर देते हैं, थोड़ा पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हैं, उसके बाद कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहता है अलग? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम साइट पर जाते हैं, जब हम साइट पर चहल पहल देखते हैं, तो शुरुआत का टाइम याद आता है और वो नॉस्टैल्जिक होता है बहुत ज़्यादा. बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है वो, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में. बट जी हाँ, कस्टमर को घर देना, एक्चुअली प्रोफेशनल जो कॉज होते हैं हमारे, जिसके लिए हम काम करते हैं पैसों के लिए, नाम के लिए, बहुत ज़रूरी है उससे एक सोशल कॉज भी जुड़े. आज ऐश्वर्यम हमारा वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है. हम जो लोग बस
एक होर्डिंग देख के सपना दिखते हैं कि मेरा घर हो, हम उनके लिए वो पॉसिबल कर पाते हैं कि उनका एक्चुअल में घर हो। और जब हम उनको देखते हैं, उनको पोजेशन देते हैं, जब हम उनके चेहरे की खुशी देखते हैं, उनका रहते हुए सुकून देखते हैं, तो इट इज़ अ फीलिंग दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू डू बेटर। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि कोई भी रियल इस्टेट का बड़ा कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत बातें कही जाती है, एडवर्टाइज़ किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट में ये होगा ये होगा, बहुत एडवर्टाइजमेंट के लिए कर देते हैं, लेकिन बहुत से प्रोजेक्ट में जो बताया जाता है वो किया नहीं जाता है, ऐसा भी होता है। जी जी बिल्कुल। आपके प्रोजेक्ट में ऐसे कोई आपको कभी लगता है कि कुछ रह गया हमसे देना, या लोगों को सिर्फ बताते हैं और करते नहीं है, कोई बताता नहीं कि हमने नहीं किया? बिल्कुल। फिर भी आप थोड़ा सा उसमें बारे में बताओ। आई थिंक ऐश्वर्यम ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत है जेन्युइनली, जो हम बताते हैं हम देंगे वो हम डेफिनेटली देते ही हैं। इट्स नॉट अबाउट द कस्टमर वांटिंग इट, बट ये हमारा सपना है। हम बैठते हैं साथ में और हम डिस्कस करते हैं एंड वी मेक श्योर कि जो हमारी कमिटमेंट है उसके अनुसार हम डिलीवर करें। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपके इस टर्निंग पॉइंट एज सच, एवरी सिंगल डे चैलेंजेस होते हैं काम करते हुए, कभी कुछ प्लान्स होते हैं जो कि काम नहीं करते, तो एज सच टर्निंग पॉइंट्स नहीं, बट आई थिंक जब काम करते हुए एक स्पिरिचुअल लेवल जब हम अटेन करते हैं, जब काम के साथ हम उसका एक हायर मोटिव ढूंढते हैं, जैसे कि आज हमारा मोटिव है कि हम लोगों के सपने साकार कर पाए, मैक्सिमम लोगों के अफोर्डेबल हाउसिंग में हम सपने साकार कर पाए, उनको घर दे पाए, तो जब ये वाली फीलिंग्स काम के साथ जुड़ती है तो काम करने का अलग मोटिवेशन होता है। यही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। कोई महिलाएं रियल एस्टेट में काम करती है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाती है, बहुत बार रियल एस्टेट का, तो रियल एस्टेट का नाम लिया तो पुरुषों की ही उसमें मक्तेदारी, बिल्कुल उसमें उनका यह है, तो आप क्या सोचती उसके बारे में, आपको कैसे लगता है कि आप एक महिलाएं हैं, लेडीज कैसे काम करती जी रियल एस्टेट के बारे में? मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगी। इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी। ऐश्वर्यम हमारा एक प्रोजेक्ट रहा है जो कि 13 बिल्डिंग 2132 फ्लैट्स का था, मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है। फेल होने के लिए एक चीज़, एक रीज़न भी काफ़ी होता है, बट अगर सक्सेस चाहिए तो हज़ारों चीज़ें एक साथ अच्छी तरह काम करती है, तब जाके ही सक्सेस मिलता है। तो बेसिकली ये चीज़ तो है ही कि रियल एस्टेट बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक फैक्ट ये भी है कि मेरे पापा से और नरेंद्र अग्रवाल जी जो है, जो डायरेक्टर हैं, MD है ऐश्वर्यम ग्रुप के, उनसे मुझे सदा सहयोग मिला है। कुछ भी चीज़ रही है तो भैया हमेशा रहे हैं, तो मुझे एज सच कोई दिक्कत आए भी या परेशानी आए भी तो हमेशा वो सॉल्व हुई है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई आपके मन में भविष्य में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में खुद अपना कुछ ऐसा? जी बिल्कुल। अभी फ़िलहाल हम रेजिडेंशियल में ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारा चिंचवड़ में ऐश्वर्यम वन एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल, तो आगे हम देख रहे हैं कि कैसे हम कमर्शियली एक्सपैंड कर पाए, कैसे आज हम वार्ड ऑफिस, एफ वार्ड ऑफिस जो PCMC कॉरपोरेशन का होता है, वो हम एक ऑफिस डेवलप कर रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे कि हम कैसे रोड्स या गवर्नमेंट के लिए या हमारे नेशन के लिए हम क्या बिल्ड कर सकते हैं बेहतर। तो हमारा सपना ऐसा कुछ है कि हम देश के लिए भी कुछ अच्छा बिल्ड करें। मतलब रियल इस्टेट से बिल्डिंग बना से आप रोड में भी जाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एज फार एज द क्रिएशन और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, डेफिनेटली हमारा प्रोजेक्शन है कि आगे हम इसको बहुत एक्सपैंड करेंगे और कंस्ट्रक्शन जो है उसको हर तरीके से हम टैप करें। ये रियल इस्टेट में जब आपने शुरू किया तब आपको किसकी मतलब शिक्षा से आप उसमें गए? एक्चुअली मेरे पापा रियल इस्टेट से रहे, SR मित्तल ग्रुप हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, तो जो मेरा इंटरनल सेल्फ है, जो आदर्श होते हैं, जो काम करने का एक मोटिवेशन होता है, वो मुझे मेरे पापा से ही मिला, सुनील मित्तल जी। और उसके अलावा जो काम करने का तरीका है वो मुझे नरेंद्र अग्रवाल जी, जो आपके आदर्श नरेंद्र अग्रवाल सर और सुनील मित्तल सर आपके पापा भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कोई तो ऐसा एक रहता है कि सबसे ज़्यादा वो अपना एक गुरु रहता है, आदर्श रहता है, उसको हम मानते हैं। जी तो आपके लिए वो कौन है? वो मेरे पापा ही है, विदाउट अ डाउट। आपकी विशेषताएं क्या है?
कॉन्फिडेंस, पैशन, अगर मैं कोई भी काम करूँ तो उसे सक्सेसफुली कंप्लीट या डिलीवर करने की एक जो ड्राइव होता है वही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होती तो कहाँ होती? अगर मैं रियल एस्टेट में नहीं होती, आई डोंट नो, आई लाइक स्पोर्ट्स, आई एम टू स्पोर्ट्स, आई प्ले क्रिकेट, बट आई थिंक कि मैंने जैसे मैंने बताया मैंने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था, तो मैंने आईटी में भी काम किया हुआ है, बट आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो शायद रियल एस्टेट वॉज ऑलवेज मेंट फॉर मी, आई कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग एल्स। बट आपने तो कंप्यूटर साइंस किया था, आप रियल एस्टेट में काम कर रही है, काफ़ी डिफरेंस है। बिल्कुल। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? दिक्कतें तो डेफिनेटली है, और मुझे लगता है कि जीवन सीखने का ही दूसरा नाम है, तो जब सीखने की इच्छा थी और जब वो पैशन था और मेहनत थी तो डिफिकल्टी नहीं हुई। आगे जाके क्या इरादा है, क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको कहा इस बिज़नेस को और एक्सपैंड करना है, आज हम PCMC में बहुत नामी हैं, आगे एक स्टेप फॉरवर्ड अगर मैं देखूँ तो पूरे पुणे में हमें हमारे पैर जमाने हैं, और मे बी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस, मे बी कमर्शियल सेगमेंट्स मोर, इसमें हमें ग्रो और एक्सपैंड करना है। आगे जाके भविष्य में जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, लेडीज हैं जी, उनको क्या आप मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन मिला है तो आपको जो मन है, आपके जो दिल में आता है, आप उसको ज़रूर परस्यू कीजिए, हिम्मत लगाइए, उसमें जान लगाइए अपनी, और कभी कभी कठिनाइयाँ आएंगी, ये जीवन ऐसा ही होता है, बट प्रेरणा लीजिए किसी ना किसी से, देखिए, और आई एम श्योर कि आप अपना रास्ता, जब पैशन रहता है तो रास्ते अपने आप निकलते हैं, तो आप अपना रास्ता खुद चुन पाएंगे। आपके लाइफ में कभी आपको ऐसा वक्त आपके पास आया क्या कि बहुत बड़ा चैलेंज है और उससे बाहर निकलना है? जी बिल्कुल। ऐसे कोई एक जैसे सोसाइटी में ही छोटी मोटी चीज़ें होती है, ऐश्वर्य महाराज एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो कुछ कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे हर एक कस्टमर को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करना, कुछ चीज़ करना, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, मुश्किल होती है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे कस्टमर्स को हर एक छोटे से छोटे प्रॉब्लम जो है उनको डील करके, कस्टमर को सेटिस्फाई करके उनको हैंडओवर देना, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट डिलीवर करना, आज मेरे लाइफ में मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मेरा रहा है वो यही रहा है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बात की। या होत्या नम्रता बंसल अपने बरोबर, अशाच वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या महिलांशी आपण दररोज बोलणार आहोत आणि असंच त्यांना जाणून घेणार आहोत। बोलबिंदासच्या या सर्व महिलांना, या नवदुर्गांना, आधुनिक नवदुर्गांना शुभेच्छा आहेत नवरात्रीनिमित्त। सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। थँक्यू सो मच, धन्यवाद।